वीर ने पुलिस को कुछ बताया? बड़ी सख्त हड्डी है सर, अभी तक मुंह नहीं खोला। पुलिस को बोलना पड़ेगा, उसके साथ सख्ती से पेश आए। हमारा जाना बहुत जरूरी है कि उसके साथ और कौन कौन मिला हुआ है। जी सर। Okay, fine, just go, go, go now. Yes, get, get, get to work, yeah. मैं यहां अपनी मां का बदला लेने आया हूं। मां का बदला? उसका क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं वीर को जानता हूं, ना ही उसकी मां को, तो किस किस्म का बदला? सोच सोच, क्या क्या हुआ था उस रात? कमान शिवाय सोच, माँ का बदला कल, यानी हूं माँ का बदला। तेरी रूपू है ना, उस रात उनके बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें लेके अस्पताल गई थी शिवाय। मुझे आज भी याद है, तूने अपनी रसोई में वो दाल मखनी बनाई थी, शिवाय को इतनी पसंद आई थी कि तेरे पीछे पीछे घूमता रहता था रेसिपीज मांगने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, जब हम रूप की वीडियो टेप देख रहे थे ना उसकी शादी पे, तो शिवाय ने भी उस पर पानी गिरा दिया था। हाँ, छोटा सा था, 5-6 साल का, आते आते बोला था मम्मी मम्मी पंखे के सामने रख दो, हम सुखा लेंगे। मॉम, मॉम का भव्य भव्य मॉम, मॉम को देखा तुमने? जी भैया, वो गौरी भाभी के साथ मंदिर में थी। थैंक यू मंदिर। गौरी, मॉम कहाँ है? बड़े भैया, छोटी माँ जी अभी अपने कमरे में गई है। क्या हो गया? ओहो, तू घोड़े पे क्यों सवार है भाई? सुभाष, क्या कर रहा है तू? क्या हुआ तुझे? मुझे सच जाना है। सच? कैसा सच? आपने मुझसे कहा था उस रात जब कल्याणी मिल को आग लगी थी, आप रूप बुआ के बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए थे। हाँ, कहा था। क्या ये सच है? सच है शिवाय, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हाल ही में आपने मुझे बताया था कि जब बुआ की शादी हुई थी तो उनके शादी के VHS पे मैंने पानी गिराया था, तब मैं कुछ 5-6 साल का था, और जब उनकी पहली रसोई हुई थी तो उन्होंने दाल मखनी बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। एक सेकंड, जस्ट डजंट मेक सेंस, क्योंकि जब कल्याणी मिल को आग लगी थी तब रूबुआ की शादी नहीं हुई थी, तो बच्चा कहां से? शिवाय, बहुत पुरानी बात है, मिट्टी पा। नहीं नहीं, मुझे मेरा ही जाना जरूरी है। मम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप मुझे बताइए, अगर उस रात सच में आप बुआ के बच्चे के साथ थी, तो शादी से पहले वो बच्चा आया कहां से, और मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता? हमें बताया क्यों नहीं गया? ये हर बात बताने लायक नहीं होती। वो बच्चा नाजायज था, इतने सालों तक हमने ये बात सबसे छुपा कर रखी ताकि ओबरॉय फैमिलीज पर किसी की उंगली ना उठ सके। जेठ जी, जिठानी जी, तेरे पापा और मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मम्मी जी भी नहीं, फिर तुम लोगों को कैसे बताते? अच्छा, आप कहाँ हैं? पता नहीं, जेठ जी ने रूप को वो बच्चा किसी को दे देने के लिए कहा। किसे? मैं नहीं जानती, ना हमने कभी रूप से पूछा, ना उसने कभी बताया। बच्चे के बारे में कुछ कुछ, कुछ और पैदा कब हुआ था आपको पता होगा? डेट्स तो मुझे नहीं याद, पर तकरीबन कब? दिवाली के आसपास, नवंबर्स। हाँ, नवंबर्स ही था। ओके, तुम जाओ, मैं बात करूँ। इंस्पेक्टर बख्शी, शिवाय सिंह ओबेरॉय। वीर प्रताप चौहान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? अभी तक तो नहीं, हमने सारे तरीके अपना लिए लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन हाँ, बचपन में एडॉप्शन से पहले जिस अनाथ आश्रम में उसे रखा गया था उसका पता चल गया है। कोई और इन्फॉर्मेशन? डेट ऑफ बर्थ या माँ बाप का नाम, कुछ भी? नहीं, उस अनाथ आश्रम से ये पता चला है कि नवंबर के महीने में वो पैदा हुआ था। नवंबर?
रूप बुआ का बच्चा भी नवंबर में पैदा हुआ था। शिवाय को पता ही नहीं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकोब रॉय है। तुम्हारी बुआ है ना, वो मेरी मम्मी है। अपनी माँ का बदला लेने आया हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि वीर रूप बुआ का बेटा? सिर्फ एक ही इंसान है जो इस बात को कंफर्म कर सकता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरा बदला लेने की कोशिश में तू जेल पहुंच गया। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरी माँ अब भी जिंदा है। मैं अपना बदला जब लूंगी तब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तेरा बदला जरूर लूंगी। कहीं का नहीं छोड़ूंगी उस अनिका को।